और दोस्तों कैसे आप सभी। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ओप्पो A59 5G का रिव्यू ही समझिए। और ये ओप्पो A59 एक बहुत ही अजीब सा डिवाइस है। अजीब इसलिए है, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा क्यों। 4GB 128GB 6GB 128GB दो मॉडल इसमें अवेलेबल है। देखिए 15,000 रुपीज प्राइस रेंज में इतने अच्छे अच्छे मोबाइल है, कॉम्पिटिशन भी बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया हूँ फोन अंडर 15,000 रुपीज बढ़िया फोन कौन सा है, वो भी आप देख सकते हैं। रेडमी नोट 13 का भी वीडियो बनाया। तो ये ओप्पो A59 5G पता नहीं ये ओप्पो इन्होंने क्या सोचकर ये डिवाइस को बनाया है। देखिए सबसे पहला 6.57 इंच का आपको LCD डिस्प्ले मिलता है इसमें, वो भी फुल HD भी नहीं, HD प्लस है, मतलब फुल HD से भी कम वाला रेजोल्यूशन। HD प्लस में मतलब कि पुराने जमाने में जैसे बैठे हैं LCD डिस्प्ले लेकर। इसमें AMOLED नहीं मिलता है, वो LCD को ही इन्होंने 90Hz रिफ्रेश रेट डाल के बनाया है। तो बहुत ही मतलब ऐसे पकड़ के थोड़ा ऐसे ऐसे टिल्ट करना हो तो भी थोड़ा कलर या फिर ब्राइटनेस में शिफ्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि LCD का जमाना नहीं है। अभी 15,000 रुपए आप खर्च कर रहे हैं तो इसमें इजिली AMOLED डिस्प्ले वाला ढेर सारा ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्प्ले वहां पर मिलते हैं दूसरे फोन्स में। तो इसमें कैमरा की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का शूटर है, बाकी सारे जो कॉम्पिटिटर्स है अराउंड 50 मेगापिक्सल का सेंसर उन्होंने यूज किया है। अगर f1.8 रहता तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट रहता इसमें, मतलब कि कैमरा परफॉर्मेंस क्वालिटी या फिर इन डेप्थ कंपैरिजन वो सब चीज करने के लिए। लेकिन इसमें 13 मेगापिक्सल का f2.4 वाला एपर्चर वाला जो कैमरा लेंस इन्होंने रखा है, मतलब कि लो लाइट कंडीशन में इतना अच्छा नहीं आएगा जो कि कॉम्पिटिशन आपको दे रहा है। वहां पर f1.8 f1.75 रेडमी का और ऐसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे देखने के लिए। वो कौन सा मोबाइल है वो मैं आपको कंप्लीट लिस्ट भी दूंगा। ये जो बैटरी इन्होंने दिया है अराउंड 5000mAh का बैटरी है, वो भी एक्चुअल में 5000 का नहीं, 4000 अराउंड 880mAh का मिलेगा आपको। उसके साथ एटलीस्ट 33W का फास्ट चार्जिंग एक मिलता है, वो एक प्लस पॉइंट मैं समझ रहा हूँ। और की जो फीचर सेलिंग है इनका तो 300% वॉल्यूम करके बता रहा है स्पीकर से, मतलब ये इतना लाउड स्पीकर रख के कौन सुनता है मुझे पता नहीं। ओप्पो का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मतलब इनका ओवर द एंड्रॉइड जो कलर OS है वो एक्चुअली अच्छा है। फीचर सेट जो देते हैं वो बहुत ही अच्छा है ओप्पो का, और इम्प्रूवमेंट में देखने को मिल रहा है जनरेशन टू जनरेशन। और उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट मेजर ड्रॉबैक मैं बता रहा हूँ इस फोन का, वो है कि MediaTek वाला चिपसेट इन्होंने यूज किया है जो कि 6020 है। तो ये 6020 वाला चिपसेट बहुत ही पुराना है, 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर। देखिए सारे कॉम्पिटिशन आपको ऑलरेडी 4 नैनोमीटर वाला लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 वाला दे रहा है, जैसे कि पोको M6 Pro में है। ये MediaTek वाला ही लेंगे तो डेफिनेटली वहां पर आपको 6050 6080 चिपसेट का मिलता है, 7020 का मिलता है, 7050 का मिलता है। तो इतने सारे चिपसेट है वहां पर, लेकिन यहाँ पर 7 नैनोमीटर का पुराना चिपसेट लगाया है तो एवरेज परफॉर्मेंस है। तो डेफिनेटली यहाँ वहाँ अगर मल्टीटास्किंग करेंगे तो स्ट्रक होगा फोन। तो ऐसा इन्होंने पता नहीं ये क्या सोच कर ये डिवाइस बनाया है ओप्पो A59, तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। एंड पकड़ने में भी हो या देखने में भी हो बहुत ही चंकी है, मतलब इतना बड़ा है जैसे एक ईंट पकड़े हो। तो ये था ओप्पो A59 5G। तो अल्टरनेट फोन रिकमेंडेशन कौन सा है, सबसे पहले पोको M6 Pro में जैसे कि मैं बता रहा था ब्यूटीफुल फोन है। देखिए 90Hz डिस्प्ले मिलता है आपको, बढ़िया कैमरा 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, और उसके साथ फास्ट चार्जिंग भी है, बहुत ही बढ़िया बैटरी भी है एंड कैमरा भी अच्छा है इसका। तो अराउंड 12-13,000 रुपीज में आपको मिल जाएगा, उससे भी कम ऑफ कर रहा है अभी। और दूसरा फोन है रियलमी का 11X है, वो भी बहुत ही बढ़िया फोन है एट अराउंड 12-13,000 रुपीज। रेडमी का नोट 13 भी आ रहा है अराउंड 15-16,000 रुपीज में। दूसरा जो फोन है वो मोटरोला की तरफ से G54 5G है, बहुत ही बढ़िया फोन है। अराउंड 13-14,000 रुपीज में आपको 6GB 128GB वेरियंट मिलता है, ब्यूटीफुल 120Hz सुपर AMOLED डिस्प्ले उन्होंने यूज किया है, 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला कैमरा भी यूज किया है। तो बढ़िया फीचर सेट, एक्सलेंट फोन मैं कहूंगा इतने प्राइस रेंज में। तो इतने सारे कॉम्पिटिशन ऑफर कर रहा है तो यहाँ पर ये बहुत ही पुराना लगता है ओप्पो A59 5G। तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड नहीं करूंगा आपको। ऐसे अनबायस्ड रिव्यूज के लिए डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पर। तो लाइक एंड शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर अपने फोन अंडर 15,000 रुपीज लेने की सोच रहे तो डेफिनेटली चेकआउट दी मोटरोला G54 5G, या फिर आप ले सकते हैं पोको M6 Pro। तो कैसा लगा वीडियो रिव्यू, ब्रीफ वाला, अनबायस्ड वाला, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बताइए कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।